नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। साबरकांठा जिले के बडाली तहसील के गांव, जो कि पूरा इलाका अपने विकास कार्यों के लिए जाना जाता है, यहां पर गांव की आबादी 1844 है, जिसमें हर समुदाय के लोग रहते हैं। साबरकांठा जिले के वडाली तहसील का गांव, जो पूरे इलाके में अपने विकास कार्यों के लिए जाना जाता है, भंडवाल गांव अपने लिए जाना जाता है। इस गांव की आबादी 1844 है और इसमें सभी समुदाय के लोग रहते हैं। आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। जब सदस्य महिलाएं होती है तो सरपंच भी एक महिला होती है। सरपंच का पवन पटेल सरपंच के रूप में होते हैं। सरपंच पवन पटेल के अनुसार आंगनबाड़ी, साबरकांठा बैंक में एटीएम सहित पानी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी मोहल्ले का नाम जिले के नाम से जुड़े हुए हैं, जो इस गांव की एक खास विशेषता है। इस गांव में पशुपालन और कृषि है, सफाई की जाती है। गांव में 100% RCC सड़क स्थित है। सभी घरों में नल का जल योजना के तहत पानी उपलब्ध है। गांव में बस की सुविधा है। गांव में 100% CCTV लगाए गए हैं और सभी कार्य पंचायत द्वारा किए जाते हैं। SSC केंद्र में 7 बार के अर्क के बिल का भुगतान के लिए ऋण सहित आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु उदाहरण जैसे सभी कार्य एक ही स्थान पर किए जाते हैं। लेकिन अगर पानी और बैठने की पद्धति और मिठास भी प्रदान की जाती है तो सुंदर व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। हम अभी खड़े हैं साबरकांठा जिला के जो वडाली तहसील के गाँव भंडवाल में। हम आज दिखाने जा रहे हैं इस गाँव के जो खुद का गांव का अलग तरीके से विकास हो रहा है गांव का, और कौन सी गांव में जो सेवाएं उपलब्ध है और सुविधाओं मिलती है। हम गांव के प्रधान के साथ बात करेंगे और पूरे जो बंडवा गांव में गांव की जो हर सुविधा दिखाने का प्रयास करेंगे। साबरकांठा जिले में बडाली तालुके में हमारा भंडवाल गांव आया हुआ है। भंडवाल गांव की जब बात करें तो हमारी यहाँ पंचायत में 25 वर्ष से यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ है। पंचायत हमारी समरस है। गांव की सेवा मंडली है, दूध मंडली है, वो भी समरस ही है। गांव में 8 दिन तक किसी भी पुलिस केस नहीं हुआ है। गांव का जो समाधान होता है, गांव के वडिल और गांव के प्रतिष्ठित और पंचायत की बॉडी बैठ के वो उसका समाधान करती है। और गांव की सुविधाएं देखने जाए तो गांव में बहुत बड़ी सुविधा है, जिसमें LED लाइट है। 5 रुपये जैसी कीमत में मिनरल वाटर 20 लीटर पानी मिलता है। गांव के अंदर स्वच्छता है। गांव के अंदर जो घन कचरा का निकाल करना पड़ता है वो सप्ताह में एक बार ग्राम पंचायत का ट्रैक्टर द्वारा उसका निकाल भी करते हैं। और गांव में बहुत सारी सुविधाएं है, जिस तरह से गांव में क्लीन सिटी जैसे बोलते हैं, ऐसे वो बरसात का पानी आता है तो गांव में कहा वो कुछ होता नहीं है, ऐसा ही रहता है कि स्वच्छ की जैसे आपको लगता है कि हम सिटी में, ऐसा हमारा गांव है। और गांव में पूरी भौतिक सुविधाएं मिलती है। और जब किसान लोग होते हैं, किसान लोग को जब पैसे की जरूरत होती है तो गांव में हम माइक्रो ATM है, पंचायत द्वारा CSC सेंटर खुला है, इससे भी हम पेमेंट, आधार लिंक होता है तो पेमेंट भी करवाते हैं। गांव में किसान को किसी भी वस्तु लेके जाने के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता है। गांव में ही सभी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें डीजल से लेकर पेट्रोल तक की सब सुविधा गांव में मिलती है। खाना पीना सब ऐसा कि जो किराए की दुकान गांव में लगी हुई है वहीं से जो कंट्रोल है, वो सब कुछ माल सामान है गांव में ही मिलता है। किसी को कुछ लेने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता है। गांव में ऐसी भौतिक सुविधाएं अभी भी खड़ी कर रखी है। यहाँ जो बंडवा गांव है, गांव में जो गांव पंचायत है वहीं के जो ऑपरेटर है मुकेश भाई, उन्हीं से बात करेंगे कि यहाँ कौन से जो लोगों को सुविधा मिलती है। यहाँ पे सभी तरह की ऑनलाइन सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे कि 7 बार के उतारे, बिजली बिल, गैस बिल, ऑनलाइन प्रीमियम और काफ़ी और सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे कि खेती के सभी ऑनलाइन जो सुविधा है, अर्जी है, खेडूत अर्जी और बैंक खाता और APS सिस्टम से पेमेंट भी हम पे करते हैं यहाँ से, और सारी सुविधाएं आज उपलब्ध होती है।